अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये ऑलराउंडर टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में बहुत काम आता है। आखिर ये चक्कर है क्या? पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक हम कहते हैं, देखिए, जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चल रहे हों, और ये होता है टेम्पररी मैग्नेटाइज, ठीक है जी, टेम्पररी मैग्नेटाइज। अब डायमैग्नेटिक क्या होता है, जब सारे पेयर चल रहे हो, ये हम कहलाता है नेवर मैग्नेटाइज, ठीक है जी, नेवर मैग्नेटाइज, ठीक है जी, जब पेयर चल रहे हो। और सबसे आखिर में देखें यहाँ क्या चक्कर है, सारे अनपेयर्ड चलते चलते आखिरी वाला पेयर में आ गया, ये कहलाता है फेरोमैग्नेटिक, यानी परमानेंट मैग्नेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आखिरकार ये डायमैग्नेटिक कौन सा ग्रुप होता है? 2B, 2B यानी जिंक, कैडमियम, मरकरी। देखो ये तीन, बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट से बहुत मुख्तलिफ हैं। क्यों? अभी ये बहुत डिटेल हमने पढ़नी है। फेरोमैग्नेटिक में आते हैं 8B, 8B यानी कि ये सारे के सारे, ये 8B वाले परमानेंट मैग्नेट्स। तो ये पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं जो टेम्पररी मैग्नेटाइज होते हैं? एक तो ग्रुप 1B आता है, फिर 3B से लेकर के 7B तक सारे आते हैं। 1B यानी ये जो कोइनेज मेटल है, सिल्वर गोल्ड मेटल, और फिर 3B, 4B, 5B, 6B से लेकर के 7B तक सारे के सारे।